पार्ट है जिसमें दो प्रकार के वाटर लिलीज मैं आपको बताता हूँ। ये है हार्डीज सारी जो सर्दियों के मौसम में डोरमेंसी में चली जाती है, और कुछ इस तरीके की ट्रॉपिकल्स जो ऑलमोस्ट पूरे साल आपको फ्लावरिंग देती है। ये उसके अलग अलग वेराइटीज आपको देखने को मिलेगी, ये इस तरह से बर्ड्स प्रोड्यूस होती है। और फ्लावरिंग जनरली 3 से 4 दिन इसका फ्लावर स्टे करता है, सनराइज से सनसेट तक, मतलब सुबह से शाम तक। आपको कुछ नाइट ब्लूमर्स भी होती है लेकिन वो हमारे पास नहीं है, सारे डे ब्लूमर्स ही हैं। ये एक पर्पल जो इसकी वेराइटी है, बुल्सआई में आपको बर्ड्स दिखेगी। और एक ट्रॉपिकल है ब्लू विसल, और एक ये यूएस वेराइटी जिसमें अभी बर्ड्स नहीं है लेकिन लीव्स का वेरिएशन आपको दिखेगा, ये है टीडा सावन। ओके, ये हार्डीज है हमारे पास। एक संयम जैस्मिन है, वाइट कलर का फ्लावरिंग होता है इसमें। और इसमें दो वेराइटी हमारे पास अवेलेबल है, एक है वन विसा जो थोड़ी शेडेड फ्लावरिंग करता है, इसमें आप देखेंगे ये छोटी बर्ड्स एक या दो अंदर बन रही हैं। और एक साथ में इसके है कॉलेरोडो, जनरली इनको हम इसके राइजोम या जड़ से प्रोपोगेट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डोरमेंसी के बाद फरवरी का सीज़न होता है, और इसी तरह से कुछ ट्रॉपिकल्स जो होती हैं वो भी इनकी खासियत ये होती है कि इसके जो नोड्स होते हैं लीव के, उस पर इस तरह का एक स्पॉट पाया जाता है। जब ये लीव्स थोड़ी पुरानी हो जाती है तो इस तरह का स्पॉट और बड़ा होता जाता है। ये तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसका फ्लावर स्टॉक सॉरी लीफ स्टॉक तोड़ के किसी भी साफ पानी में ऐसे उल्टा फ्लोटिंग के लिए छोड़ दें। 5 से 7 दिन बाद हम देखेंगे, इस तरह से आप इसको जूम करके देखेंगे तो पता चलेगा इसमें कहीं कहीं लीव्स बनने लगी हैं। और जब इस तरह से पत्ती पूरी गल जाए और नया उसमें प्लांट दिखने लगे तो उसको हम साइड से कट करके इस तरह से एक किसी साफ पानी में, जैसे पहले से 2 फ्लोट कर रहे हैं मेरे पास इसमें, और एक को हम इसके साथ रखेंगे, और इसको कहीं भी अंधेरे कोने में 10 से 15 दिन के लिए हम रख देंगे तो इसमें छोटी छोटी लीव्स और रूट्स बन जाएंगी। जैसे इसमें 8 से 10 लीव्स बने और रूट्स डेवलप हो जाए तो हम इसको किसी छोटे पॉट में मिट्टी में शिफ्ट कर देंगे, और उसके बाद 3 से 4 दिन या ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हम उसको थोड़ा सा शेडेड एरिया में रखेंगे, पानी के अंदर रखकर। मैं उसे दिखाता हूँ किस तरह से छोटे प्लांट्स जब हमारे पास राइजोम के रूप में तैयार हो जाते हैं और लीव्स डेवलप हो जाती है तो हम उसके बाद इस तरह से एक छोटे से पॉट में उसको शिफ्ट करेंगे मिट्टी के अंदर, और इस तरह से किसी छोटे बर्तन में पानी के अंदर, या छोटी सी बकेट भी हमारे पास होगी 10 लीटर की तो वो सफिशियंट है, उसमें हम इसको पत्तियों के 2 इंच ऊपर तक पानी भरकर शिफ्ट कर देंगे। 10 से 15 दिन में ये इस तरह से आपको दिखेगी, हेल्दी लीव्स इसके अंदर है, रूट्स डेवलप हो गए। उसके बाद हम इसको इतने बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं, या आप देखेंगे चेंजेस लीव्स की साइज आपको दिखाई दे रही है, और इसको हमेशा फुल सन में रखना है। दूसरा ये है कि इसमें एल्गी प्रोड्यूस करता है ये प्लांट, तो हम मैक्सिमम विद इन 10 डेज इसका पानी चेंज करेंगे। इस तरह से जो पॉट हमारा है उसको हम बाहर रखेंगे, और आउटर पॉट जो है या टब हमारा रहेगा उसको हम पानी को ड्रेन आउट करके अच्छे से सफाई करेंगे, फिर पानी इसके अंदर भर के और धीरे से इसमें पॉट को प्लेस कर देंगे ताकि वो क्लियर भी रहे और उसमें एक्स्ट्रा एल्गी या काई वगैरह जो प्रोड्यूस होती है वो रिमूव हो जाए, तो प्लांट को थोड़ी सी नई लाइफ मिले, सनलाइट डायरेक्ट मिलती रहे। फिर जब थोड़ा सा मैच्योर प्लांट होता तो इस तरह से कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर आपको फ्लावरिंग देगा, और आप रूट्स का उसमें नहीं देख पाएंगे लेकिन लीव का जो वो है नेटवर्क ये अच्छे से आप देख पा रहे हैं। कुछ न्यू बर्ड्स भी आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें भी दिखाई दे रही हैं, और इसको भी आप देखेंगे अगर जूम करके सेंटर में तो 2 बर्ड्स आपको दिखाई दे रही हैं। और
सॉरी ट्रॉपिकल वाटर लिलीज की और एक खासियत होती है, लीव्स की साइज थोड़ी बड़ी होती है और इनके जो लीफ स्टॉक होते हैं वो अच्छे लंबे होते हैं। हार्डीज में जनरली छोटी लीव्स होती हैं और लीफ स्टॉक में भी इतना स्ट्रेंथ नहीं होती, लेकिन हार्डीज इजीली प्रोपोगेट होती है, मल्टीप्लाई होती है और जब हॉट एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मिलता है जिसको हम रेनी सीजन बोलेंगे उसमें पूरे टाइम ये फ्लावर प्रोड्यूस करती है। ये देखिए ये भी एक वो है विविपोरस वेराइटी ब्लू विसल, इससे भी आप नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए एक्वाटिक गार्डनिंग में इतना ही, नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।